ये गाना सिर्फ मैं गा सकता हूँ ओके या फिर रहमान सर गा सकता। अरे क्या बात। सो मैंने बोला कि इसके बीच में मैं ये गाना किसी को नहीं दूंगा। हाय मैं हूँ प्रवीर एंड टुडे वी गॉट द वेरी अमेजिंग हर्षित चौहान विद अस एट द मिर्ची इंडी स्टूडियो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी। हम लोग मिल रहे हैं बहुत टाइम के बाद, काफी टाइम के बाद। पिछली बार हम मिले थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिले हैपनिंग ऑन द इंस्टा लाइव सेशन। लाइव पे हम लोग कर रहे थे घर से और वो हमारी जिंदगी हो गई थी यार। वो तो था ही। क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा है आपको फाइनली ऐसे फेस टू फेस मिलना यार? मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको फेस टू फेस मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब अब निकलने का मौका मिल रहा है, जाके लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, जो हम लोग हमेशा ड्रीम करते हैं कि वी विल गो टू द गो फॉर एन इंटरव्यू या रेडियो पे जाएंगे। सो इट्स फाइनली हैपनिंग। सो एंड फाइनली आपने भी हमको बहुत कुछ कमाल के गाने वगैरह दे दिए हैं। यार आपका ओजी जो स्टूडियो है अच्छा लग रहा है। बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स है। आई वाज लिसनिंग टू ऑल द सॉन्ग्स टुडे एंड वेरी नाइस कोलैबोरेशन। सो ये ओजी स्टूडियो, इसका आइडिया कैसे आया? हाउ डिड द होल कॉन्सेप्ट कम अबाउट? पहले एक्चुअली ऐसा कोई ओजी स्टूडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये था कि जब लॉकडाउन हुआ एंड आई डिसाइडेड कि कुछ ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करनी है, क्योंकि बहुत टाइम से पैसों के लिए काम कर रहे थे, इसके लिए अरेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें चल रही थी। सो आई वाज लाइक कि अभी टाइम है, आई डोंट नो कि अभी कब खुलेगा सब सारी चीज़ें। तो आई वाज जस्ट लाइक कि ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करनी है। एंड जो राइटर है हमारे अविनाश चौहान कॉन्सेप्ट के, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। सो ऐसा कुछ हुआ लॉकडाउन में कि ही हैड टू स्टे विद मी फॉर वन मंथ, उसकी पूरी फैमिली साथ में थी। तो तब हमने ये सारी चीज़ें चल रही थी, नेटफ्लिक्स चल रहा था, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी और दिन ब दिन मतलब ऐसे जाके हम गाने कंपोज कर रहे हैं, एक गाना बना दिया, दो गाने बना दिए। तो ये तब एक सात गानों की, आठ गानों की हमने एक ये सीरीज़ बनाई। एंड आफ्टर दैट मैं सोच रहा था कि इसको मेरे फ्रेंड्स लोगों से गवा के मैं इसका ऑडियो रिलीज़ कर दूँ, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर तो मेरे पास तभी था नहीं। सो आई वाज लाइक कि मैं ऑडियो रिलीज़ कर दूंगा एंड देखते हैं क्या होता है इन गानों का। बट देन दिव्य केम इन टू द सीन और वो अपने बिल्डिंग में से किसी ना किसी तरीके से रूल तोड़ के वो हमारे बिल्डिंग में आए और बाइक पे आए बुलेट पे। और फिर उन्होंने गाने सुने और उन्होंने बोला कि नहीं यार ये गाने बहुत अच्छे हैं। सो यू नो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छे सिंगर्स लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वील गेट देम ऑन बोर्ड और तब देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं, एक बार वो गाना गा दें उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। देन अनफॉर्चुनेटली बेनी वॉज सपोज टू सिंग, नकाश ने गाना गाया था, बेनी ने भी गाया था, बट वो लोग फीचर नहीं हो पाए क्योंकि जब हम लोग शूट कर रहे थे फाइनली दे वर नॉट हियर। सो अब सेकेंड सीजन में वो लोग आएंगे। सो ऐसा कुछ था नहीं, बस ओरिजिनल कॉन्टेंट बनाने का बड़ा मन था और दिमाग में हमेशा से एक ये फील था कि यू नो आई वॉन्टेड टू गो एंड परफॉर्म इन कोक स्टूडियो। मेरे को एक हमेशा से ऐसा था कि कोक स्टूडियो में परफॉर्म करना है, मतलब अमेजिंग चीज़ें होती हैं, अमेजिंग कोलैबोरेशन होते हैं, जो आपको चाहिए अपने मैसेज, आप जो देना चाहते हो, जिस जॉनर में आप काम करना चाहते हो, यू आर वेरी फ्री टू वर्क देयर। बट वहाँ पे जाने के लिए भी यू नीड टू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड यू के जो बॉलीवुड में म्यूजिक कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। सो फिर मैंने बोला कि चलो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म ऐसा बनाते हैं अपना खुद का। और वैसे भी कोक स्टूडियो इंडिया में हो नहीं रहा है। अब तो नहीं हो रहा है। अब तो हम कब से वेट कर रहे हैं, अभी शायद होने वाला है, अभी आ रहा है वापस, अभी मैंने सुना है कि आने वाला है। सो इट वॉज लाइक एक इंडिपेंडेंट कंपोजर के लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी कॉम्पोजिशंस, अपने कोलैबोरेशंस, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में मिलके, अपने बैंडमेट्स के साथ में मिलके कुछ एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ पे हम लोगों को किसी के पास जाने का वेट ना करना पड़े। एंड फिर वहाँ से एक वो पूरा एक सफ़र चला। फिर दो साल आई वॉज लुकिंग फॉर फंडिंग, देन केम द लेबल म्यूजिक 24 रिकॉर्ड्स और इन्होंने आके इन्वेस्ट किया एंड फाइनली ये गाने बाहर आए। अमेजिंग। और मैं आज सुबह भी सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग टू रंग ना और ये वाला गाना भी फागुन, बहुत ही कमाल का गाना है। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी कि ये सारे गाने दे आर वेरी फोक बेस्ड सॉन्ग। या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोक एलिमेंट है और अरेंजमेंट ऑफकोर्स कोक स्टूडियो जितना शायद मैग्नानिमस नहीं है, लेकिन उस मिनिमलिस्टिक अरेंजमेंट में भी साउंड जो है वो बहुत ही कमाल की आई है। सो ये फोक एलिमेंट में जाना, वॉज इट लाइक अ कॉन्शियस एफर्ट दैट यू वॉन्ट टू डू? सी फागन खाली एक ऐसा गाना है जिसमें हमने एक रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ की है, बाकी सारे गाने हमने हिंदी रखे। सो फागन ये इसलिए था क्योंकि वी आर फ्रॉम राजस्थान, मैं और दिव्य दोनों राजस्थान से हैं। तो हमने बोला कि यार अपनी ऑडियंस के लिए भी कुछ करते हैं, एक गाना ऐसा बनाते हैं। बट जहाँ तक कि फोक और अर्दी अरेंजमेंट जो है, सो आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल, मुझे अरेंजमेंट जो ढोल, जो अपने इंडियन पर्कशंस और इंडियन रिदम्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे गाने मुझे मिलते भी अरेंज करने के लिए, मैंने मलाल में एक गाना अरेंज किया था संजय सर का, इट वाज लाइक फुल एक इंडियन फील था, टेक्नो गाने और वो ईडीएम वीडीएम वो मेरा जॉनर नहीं है। सो आई वाज लाइक आई वांटेड टू कीप इट वेरी लाइव अर्दी अरेंजमेंट
और जितना लाइव कर सकूँ मैंने उतना लाइव मैंने अपने हिसाब से किया. सो या दैट वाज द होल आइडिया. मतलब मैं वही सोच रहा था कि यही सारे गाने अगर आप इफ यू टेक इट ऑन टूर इफ यू परफॉर्म लाइव विद दीज आर्टिस्ट बहुत ही कमाल का हो जाएगा. बिकॉज अरेंजमेंट आपने काफ़ी लाइव म्यूजिक को ध्यान में रख के ही आपने करा है तो वो प्रोड्यूस नहीं लगता है विच आई थिंक इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग. लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था यार जैसे कि रंगना वाले गाने में वो जो ताल 7/8 जो है वो उस पे गाने मतलब बनते नहीं ना आजकल यार. मतलब आजकल नहीं बनते. तो एंड यू आर नॉट अ ट्रेंड सिंगर ट्रेंड म्यूजिशियन तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कॉम्पोजिशन करना यार कैसे कर लेते हो. आई वांट टू नो बेसिकली मेरे को पहला मेरा फर्स्ट लव इज अरेंजमेंट. अच्छा. सो जब मैं कोई भी गाना सोचता हूँ तो मैं पहले यही सोचता हूँ कि ये गाना साउंड कैसे करेगा. एंड 7/8 मैंने जिंदगी भर यही सुना है. रहमान सर के कुछ गाने सुने हैं एंड सलीम सुलेमान का जो एक अरेंजमेंट का फील होता है एंड वो राजस्थान से काफ़ी इन्फ्लुएंस वाला फील होता है. तो जब रंगना में बना रहा था तो मैंने पहले गाना नहीं बनाया. पहले मैंने सोचा कि इसको 7/8 में करेंगे क्या क्या इसका फील रखेंगे एंड देन द कॉम्पोजिशन जो कॉम्पोजिशन जो सोची वो बाद में सोची कि इसको कैसे लेके जाना है. वॉन्टेड टू कीप इट वेरी जो अगर आप भाषा भी उसकी सुने तो बड़ी ब्रिज वाली भाषा उसमें यूज़ की और वो कमाल हमारे राइटर का है अविनाश चौहान का. सो ये ऐसे ही था. कभी कुछ ऐसे प्लान करके नहीं कंपोज किए थे. ये बनते गए एक के बाद एक ऐसे गाने. कभी सुबह बना नहीं बना कभी शाम को बैठ गए कभी एक दिन में दो गाने भी बन गए. तो इट वॉज लाइक कि एक ऐसा रूम में बैठे हो जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी करने का पूरा एक फ्रीडम है. और वही हमने किया और वैसे ही ये गाने क्रिएट. तो जितने भी लोगों ने इस सीजन में गाने गाए हैं वो सारे आपके दोस्त हैं या इनमें से ऐसे भी सिंगर्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते थे एंड उन्होंने भी काम किया है. सलमान अली को मैं पहले से नहीं जानता था एंड वो लेबल ने मुझे जब कॉन्सेप्ट हमने अप्रूव किया उन्होंने और फिर उन्होंने बोला कि एक गाना सलमान अली के साथ में आपको करना होगा. सो मैं फ़ैन तो था उसका. मतलब वो 10th फ्लोर से गाते हैं वो. हाँ हाँ उसका फ़ैन तो मैं था ही. तो मैंने बोला कि यार अच्छा है. मैं लेबल को बोला कि आप उनको पैसे दे देना और यू नो आप उनको ले आना मैं कॉम्पोजिशन तो उनके लिए बना दूंगा. बाकी जितने भी लोग हैं सारे मेरे फ्रेंड्स हैं एंड दे हैव नॉट टेकन अ सिंगल रुपी किसी ने भी. सब लोगों ने गाने गाए. सब लोग शूट पे आए. एवरीबडी वॉज ऑन टाइम. एवरीबडी वॉज देयर. सो या बाकी सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड जोन में हुई है. सलमान खाली थे जिनको मैं जानता नहीं था पहले. ओके. तो सीजन टू में मतलब तैयारी हो चुकी है. सीजन टू के गाने बन चुके हैं. गाने नहीं बने गाने बन रहे हैं. सात वापस से हम लोग 7 गाने ही करेंगे एंड उसमें से 2 गाने अभी तक कुछ लगभग रेडी हुए क्योंकि ये तो लॉकडाउन में किए थे तो पहले से तैयार थे. खाली पैसों की वेट हो रही थी. अब सीजन 1 के बाद में ऐसा था कि सीजन 2 होगा नहीं होगा बट फिर हुआ एंड देन अगेन. पर सीजन 2 को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का कोई प्लान है आपका? बिल्कुल बिल्कुल कुछ तो प्लान करना ही. कुछ आर्टिस्ट के नाम बता दो जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं इफ यू डोंट माइंड. अभी हिंदी नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सीजन 2 में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है महालक्ष्मी अय्यर जी के साथ कोलैबोरेशन रहेगा एंड क्योंकि बहुत कमाल का गाती हैं वो और उनका बहुत बड़ा फैन हूं मैं. एंड देन स्वरूप खान. आई एम ट्राइंग टू गेट सम राजस्थानी वैसे राजस्थान के जो फील के सिंगर है. आई एम गेटिंग बेनी अगेन बेनी दयाल फॉर दिस सीजन फाइनली. एंड एश किंग से बात चल रही है एंड देन देयर इज साशा तिरुपति. या सो काफी वर्सेटाइल है. मतलब ये मतलब काफी थोड़ा एक जोन ऐसा रखा है कि सब लोग अपने फील में और अपने जॉनर में सब लोग एक जो मास्टर हैं सारे. और सारे ही अलग है ना. मतलब सबका स्टाइल तो एकदम ही अलग है. सारे सारे बहुत डिफरेंट है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार. और मेरे को एक बात बताओ यार आपने फिल्मों के लिए भी अरेंज किए हैं गाने. आप बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट के लिए भी करते हैं. आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक को भी सुनते होंगे ऑफकोर्स आजकल के ज़माने में. तो आपको क्या लगता है कि आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडी म्यूजिक इन आर कंट्री नॉन बॉलीवुड म्यूजिक जिसको आई थिंक इंडी म्यूजिक जो मैंने हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब हम लोगों ने वो सेशन किया था. आई थिंक इंडी म्यूजिक ही है फ्यूचर म्यूजिक का. आई थिंक अभी इंडिया में क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक का अभी तो मुझे कोई ऐसा सीन लगता नहीं है. आई थिंक एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन अ वे. मतलब एक प्रूवन फॉर्मूला पे सब लोग काम कर रहे हैं एंड एवरीबडी सब लोगों को वायरल गाना चाहिए. तो ऐसे तो चल नहीं सकता. सब ऐसे तो चल नहीं सकता. मतलब जो प्रोड्यूसर्स हमारे बता दो यार ये वायरल गाना कैसे बनाया जाता है. ये वायरल गाना के क्या सीन है यार? वो प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि हमारे पास में कुछ ऐसा गैजेट है या कुछ तो एक ऐसी चीज है कि कुछ अलग. उनका सिर्फ इतना रेफरेंस होता है कि कुछ अलग. सो वायरल गाने का कोई वो नहीं होता फॉर्मूला नहीं होता. वो तो खाली बस कभी कुछ चल जाता है तो चल जाता है नहीं चलता तो नहीं चलता. बट यही है कि एवरीबडी मतलब अभी जो बॉलीवुड का जो सीन है कि मतलब जो रीमेक्स हैं ये है वो है वो है. सो आई थिंक इंडी म्यूजिक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े आगे ये सीरीज चलती रहे एंड वापस से कोक स्टूडियो आए जल्दी जल्दी और अच्छे गाने हम लोगों को सुनने को मिले. एंड जो इंडी म्यूजिक जो कर रहे हैं जो मतलब
जिसे कैसे कैसे कहते हैं, जो अपने खुद के इंडिविजुअल एल्बम्स जो कर रहे हैं स्पॉटीफाई पे, मैं देखता रहता हूँ कि ये गाना वो गाना ये गाना ये गाना. सो आई थिंक वहीं पे फ्रेशनेस है अभी, और बॉलीवुड म्यूजिक में अभी वो वाली फ्रेशनेस नहीं है. बट ये टाइम भी चला जाएगा, आएगा वापस, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम वापस से वैसे गाने बॉलीवुड में सुनेंगे, एंड यू नो न्यू पीपल विल बी एनकरेज्ड अगेन टू यू नो गिव म्यूजिक फॉर फिल्म्स. बट राइट नाउ आई थिंक इट्स अ वेरी बैड टाइम टू बी अ कंपोजर बॉलीवुड के लिए, बट इंडी म्यूजिक, इंडी म्यूजिक के लिए. और आई थिंक जिन लोगों को, जो लोग मिस कर रहे थे कोक स्टूडियो, मुझे लगता है कि हर किसी को ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए. आई थिंक वो आपने कमी जो है वो पूरी कर दी है ओजी स्टूडियो में. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. एंड ऑफकोर्स ऐसे गाने भी आप जो बना रहे हैं, जो धरती से जुड़े हुए गाने हैं यार, उनको सुनकर भी अच्छा लगता है. इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू आर वर्किंग ऑन? आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ सिंगल्स, मतलब जो पहले कर ही रहा था, जैसे कोलैबोरेट करता था मैं किसी आर्टिस्ट के साथ में, गाना अपना आवाज़ उनकी, वीडियो वो बना रहे. सो सिंगल्स सारे चल रहे हैं, बट अभी आई थिंक मेरा मेन फोकस जो है वो ओजी स्टूडियो पे ही है. द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉट, मतलब ये फर्स्ट सीजन से आई थिंक के मेरे को अब इस प्रॉपर्टी को, मतलब कोई रहे ना रहे, आई थिंक ये प्रॉपर्टी को मैं आगे लेके जाऊँगा. एंड आई एम गोना कीप ऑन क्रिएटिंग गुड म्यूजिक, ओरिजिनल म्यूजिक और एक्साइटिंग कोलैबोरेशंस. जो हमारे ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं, ना सिर्फ नामी जामी लोगों के साथ में, बट जो यंग लोग भी हैं कुछ ओजी स्टूडियो में, आपको कुछ तीन ऐसे कैरेक्टर्स भी दिखेंगे जिनको आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, बट दे आर अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स. सो आई थिंक वो एक प्लेटफॉर्म उनको मिलना बहुत ज़रूरी है. जैसे मुझे आज मेरे लेबल ने बैक किया ये बनाने के लिए, सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अगेन यू नो गेट सम न्यू आर्टिस्ट जिनको हम दिखाएं, और फिर आगे पब्लिक की चॉइस है वो अच्छा करे नहीं करे, वो तो हमारे हाथ में नहीं है. हम गाना बना सकते हैं, अच्छे गाने बना सकते हैं, और अच्छे लोगों से गवा सकते हैं, बाकी तो पब्लिक के हाथ. एक आखिरी सवाल मेरे को पूछते हैं इस वाले गाने के लिए, फागन के लिए. जी, आप साथ में गाना गा रहे हो, तो ये आपके साथ में गाने के लिए आपके भाई दिव्या ने आपको बोला है कि आप खुद ने आपने डिसाइड किया मैं गाऊंगा ये साथ में? नहीं, ये सच्ची सच्ची बता रहा. नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, आप थोड़े से शाय सिंगर लगते हो मेरे को. मेरे को लगता है आप कंपोजर कमाल के, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और गाए खुद से. मैं एक्चुअली अपने आप को सिंगर एज अ सिंगर प्रमोट करता नहीं हूं ज्यादा, बट अभी ओजी स्टूडियो के बाद में थोड़ा ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस आया. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कंपोजिंग और अरेंजमेंट है, और उसमें भी पहले मुझे अरेंजमेंट लगती है, देन मुझे कंपोजिंग लगती है. तो ये तो दिव्या भाई ने बोला होगा आपको? दिव्या ने ये गाना पहले सिलेक्ट कर लिया था, एंड दिव्या ने बोला था कि ये गाना मैं और बेनी गाएंगे. ओके, एंड देन हमने बेनी को गाना भेजा. ओके, वी गॉट अप्रूवल फ्रॉम हिम. ही वाज लाइक आई लव द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, आई एम गोना सिंग इट. ही सैंग द सॉन्ग, और फिर गाना उन्होंने भेजने के बाद में फिर अगेन एक डेढ़ साल तक मेरे को फंडिंग मिली नहीं, सारी चीज़ें हो गई. एंड देन फाइनली जब ये गाना शूट करने की बारी आई, तब बेनी यहाँ पे थे नहीं. इसलिए आई एम द लास्ट मिनट. अच्छा, लास्ट मिनट एंट्री है. दिव्य ने बोला कि अभी नहीं, अगर कोई कर रहा है तो क्या करेगा. मैंने बोला भाई मैं ही गा देता हूँ. लेकिन बेनी ने बहुत कमाल गाया था, मतलब हमने मिस किया उनको फर्स्ट सीजन में, बट सेकंड सीजन में डेफिनेटली देखेंगे. सो या अभी आज एक जो गाना रिलीज होने वाला है, इट्स ये मेरा सोलो गाना है. ओके, एंड वो गाना मैंने अपने लिए बनाया था, एंड इट वॉज लाइक ये गाना सिर्फ मैं गा सकता हूँ या फिर रहमान सर गा सकता. अरे क्या बात. सो मैंने बोला कि इसके बीच में मैं ये गाना किसी को नहीं दूंगा, और मैंने लेबल के साथ भी फाइट किया. लेबल वाज लाइक कि आप ये गाने के लिए किसी को ट्राई करो ना, एक आर्टिस्ट और आपके साथ कोलैबोरेट करेगा. मैंने बोला नहीं. क्या बात है. मैं भले ये गाना नहीं करूंगा. व्हाट इज द सॉन्ग कॉल्ड? देश मेरे. ओके, एंड अभी 15 अगस्त है, एंड वो पहला एक देशभक्ति वाला ऐसा एक गाना मैंने बनाया, और अविनाश ने बहुत खूबसूरत लिखा है. और मेरी तरफ से एक देश को तो ट्रिब्यूट है ही, बट मेरी तरफ से एक वो रहमान सर को भी ट्रिब्यूट है. क्या बात है कि वो हमारे गुरु रहे, हमेशा उनके गाने सुन के म्यूजिक सीखा है. Absolutely. और एक बोलते ना, एक कभी मिले नहीं बट हमेशा उनका एक वो प्रेजेंस. रहमान साहब तो मुझे लगता है कि आधे हिंदुस्तान के मुंह बोले गुरु तो है ही. बिल्कुल बिल्कुल, 100%. बिल्कुल. सो ये मेरे तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट है, अगर वो कभी ये गाना सुने. एंड यू नो आई वुड लव टू नो के उनका क्या थॉट है. रहमान सर, इफ यू आर वॉचिंग, प्लीज अंडर कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको गाना कैसा लगा. देश मेरे, इट इज गोना बी रिलीज्ड ऑन 15th of August. एब्सोल्युटली अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन यार, बहुत ही अच्छा लगा मेरे भाई. बहुत ही अच्छा लगा ये जान के कि यार इतना सब कुछ हो रहा है इंडियन म्यूजिक सीन में, और ये सारी चीज़ें जिनका हमको बहुत इंतजार था बहुत टाइम से, वो सारी चीज़ें हो रही हैं. मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग ये जो कर रहे हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हो, कॉलिंग देम फॉर एन इंटरव्यू, टॉकिंग टू देम, मतलब उनके एक प्रोजेक्ट में जो इंटरेस्ट आप लोग ले रहे हो, जो एक इंडी फील जो अभी चल रहा है, एंड आई थिंक इससे बड़ा बूस्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि एक
टाइम था कि जहाँ पे अगर आपने बॉलीवुड में काम किया तो देन इट्स ओके, बॉलीवुड के बाहर इतना लोग आपको बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ये वो, तो पहले इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे, बट अभी आप लोगों ने जो एक शुरू किया है, आप लोगों ने एक डिफरेंट एक चैनल ही एक शुरू कर दिया इंडी म्यूज़िक को सपोर्ट करने के लिए, सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट बूस्ट दैट अ आर्टिस्ट कैन हैव, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. थैंक यू सो मच, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव आर्टिस्ट लाइक यू हु आर स्टेइंग ट्रू टू देयर रूट्स एंड गिविंग सच अमेजिंग सॉन्ग. सो थैंक यू सो मच. होपफुली मुलाकात होगी, शायद सेकंड सीजन के पहले हो जाएगी, उसके पहले हो जाएगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. आई विल सी यू सून ब्रो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू. बाय बाय.